अपना फोन उठाया ना तो मुझे वीडियो बनाना आता था ना मुझे कुछ आता था। मैंने अपना फोन उठाया, अपने बेड पे बैठी और मैंने लगातार फर्स्ट वीडियो अपना 9 मिनट 22 सेकंड का बना डाला। मुझे इतना डर लगा अपने घर वालों से कि मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि फोटो तो डालती थी ठीक था, ये तुमने क्या डाला। बच्चे कहेंगे मम्मी ये क्या कर दिया आपने, किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था और वो डिलीट हुआ नहीं। एक घंटे बाद जब मैंने फोन उठाया, इतने कमेंट्स, इतनी फोन कॉल्स, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। लेकर के लोगों को बताया कि मैं बुक लिख रही हूँ तो सबने कहा कि बुक कैसे लिख सकती है तू, मैंने कहा लिख नहीं सकती, मेरा एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, लिख दी है। मतलब ऐसा मैंने कभी, लोग भी कहते हैं कि हमने इस एज में इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर आज तक कभी नहीं देखी। मुझे बहुत लोग ये सेंटेंस बोलते हैं और मैं सारी लेडीज को ये कहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन डेली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है। ना केवल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है बल्कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल राइटर हैं और 3 किताबें लिख चुके हैं। जी हाँ, तो चलिए आज मिलवाते हैं हम पूनम कालरा जी से। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पूनम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और एक चीज़ आज मैं और आपको थैंक्स करना चाहूँगा। हालांकि हमारी जो लाइनअप टीम थी वो चाह रही थी कि आज का शूट कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि दिल्ली के अंदर 29 मई का दिन है और 50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो आपके यहाँ से कॉल आई कि नहीं ये शूट मैंने आज कमिट किया है तो करना है तो करना ही है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरा मोटिवेट किया हमारी टीम को कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे लाइफ में। तो आपकी जर्नी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए, मोटिवेशनल लाइनअप में कैसे आए इस फील्ड में। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने यूट्यूब में कभी, मतलब कोई भी वीडियो कभी देखा ही नहीं था। और जब कोविड आया तो मेरे को याद है मार्च के महीने में लॉकडाउन था और 24 जून थी, तो मैं बहुत सोशल हूँ और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं फ्रेंड के साथ आना जाना, किट्टी में जाना, लंच जाना, कॉफ़ी पीने जाना, ये सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत रहा था। और जब कोविड आ गया और हम लोग सब घर में बंद हो गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, मेरे लिए क्या शायद हर एक के लिए मुश्किल हो गया। तो मुझे एक दिन बहुत घबराहट होने लग गई और मैंने अपना फ़ोन उठाया ना तो मुझे वीडियो बनाना आता था ना मुझे कुछ आता था। और मैंने, वो फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने अपना फ़ोन उठाया, अपने बेड पे बैठी और मैंने लगातार फर्स्ट वीडियो अपना 9 मिनट 22 सेकंड का बना डाला। टाइम भी पूरा याद है मैम? टाइम भी पूरा याद है, फर्स्ट वीडियो का ही याद है बस। उसके बाद मैंने उसको फेसबुक में डाल दिया, मैं फेसबुक में बहुत एक्टिव थी, रोज़ अपनी फ़ोटो वोटो डालती रहती थी। और जब मैंने वो उसमें डाल दिया, वीडियो डाल दिया, उसके बाद तो जो मुझे डर लगा, मुझे इतना डर लगा अपने घर वालों से कि मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि फ़ोटो तो डालती थी ठीक था, ये तूने क्या डाला। बच्चे कहेंगे मम्मी ये क्या कर दिया आपने, और मैं तो मतलब अपने घर के लोगों से ही डरने लग गई। और मैंने उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की, किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था और वो डिलीट हुआ नहीं। मैंने एक घंटा बिल्कुल फ़ोन दूसरे कमरे में रख दिया और मतलब मेरे ऊपर की सांसें ऊपर नीचे की नीचे, बहुत घबराहट मुझे। एक घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, और मैंने साइलेंट पे फ़ोन कर दिया था, एक घंटे बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, इतने कमेंट्स, इतनी फ़ोन कॉल्स, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने इतना पसंद किया, फेसबुक में मेरा पहला वीडियो 1000 व्यूज़ थे उसमें, और लोगों ने मुझे बस कहना शुरू किया। लोग घर में बैठे हुए परेशान थे वैसे ही, और वो एक लड़की की कहानी थी। हर लेडी ने मुझे कहा कि पूनम ऐसे लगता है कि तूने हमारी कहानी सुना दी, और बस लोग मुझे बोलते गए वीडियो बना वीडियो बना। मैं 7-8 वीडियो तक लोगों ने एक तरह से मुझे चलाया, 7-8 वीडियो के बाद तो मैं अपने आप दौड़ने लग गई, मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, मेरा हर समय दिमाग घूमता रहता था कि मेरे मतलब कौन सा टॉपिक हो, उसमें कौन से पॉइंट्स हो, मतलब मैं इसमें घुसती चली गई सब धीरे धीरे। फिर दिमाग में मेरे आया कि मैं बुक लिखूं, वो भी मेरे घर वालों के लिए था कि ये बुक कहाँ से लिखेगी, ऐसे किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया कुछ नहीं।
उसके बाद मैंने मतलब पब्लिशर को ढूंढा, मैंने बहुत हाथ पैर मारे अपने, पब्लिशर को ढूंढा और फिर मैंने उसके बाद अब मानो मैंने बुक स्टार्ट कर दी। बुक जब स्टार्ट कर दी और मेरे घर में किसी को पता ही नहीं, जब उसका पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया तब मैंने अपने घर के लोगों को बताया कि मैं बुक लिख रही हूँ। तो सबने कहा कि बुक कैसे लिख सकती है तू? मैंने कहा लिख नहीं सकती, मेरा एक चैप्टर फिनिश हो चुका है। लिख दी है, लिख दी है। मतलब घर के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने ये सब कैसे किया सब। तो मैंने बहुत बहुत मेहनत की और मैं आज तक बहुत मेहनत करती हूँ। पूनम जी, यदि आप जैसी महिलाओं को भी अगर थोड़ा सा डर लगा तो हम इस स्थिति को कैसे आकलन कर सकते हैं कि आज की दौर में भी महिलाएं स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। बिल्कुल, मैं वुमेन्स को बहुत मोटिवेट करती हूँ। मैं बहुत बहुत वुमेन्स को कहती हूँ कि आप घर बैठे हुए हो। अक्सर जब वुमेन्स बड़ी हो जाती हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, वो 55-60 की हो जाती हैं और वो हमेशा ये सोचती हैं कि अब तो हमारी एज निकल गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कहती हूँ उनकी एज तो 60 पे शुरू होती है, मैंने तो पता नहीं किस एज में जाके ये सब शुरू किया। मेरा तो मतलब सब कुछ एक बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है मेरी। मतलब ऐसा मैंने कभी, लोग भी कहते हैं कि हमने इस एज में इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर आज तक कभी नहीं देखी। मुझे बहुत लोग ये सेंटेंस बोलते हैं। पूनम जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आपकी फ्रेंड्स की कोई रिक्वेस्ट आई हो कि इस पूनम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ? हाँ, मैंने लोगों की रिक्वेस्ट पे बहुत वीडियो बनाया, बहुत वीडियो बनाया। कोई ऐसी यादगार वीडियो जो अभी भी आपके मतलब दिल को छू जाती हो? नहीं, एक बार मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि वीडियो बना कि 60+ में कैसे रहना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बस उसके 3-4 दिन बाद उसका वो वीडियो बना के और उसमें डाल दिया। मेरे लिए मुझे अब ना, मैं इस स्टेज पर आ गई हूँ कि मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं सब कुछ करती हूँ। और मैं सारी लेडीज़ को ये कहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैंने इस बात को प्रूफ किया हुआ है अपनी लाइफ। मैं वहीं पर आ रहा था मैडम पूनम जी, आपने मतलब इस एज के अंदर भी इस मुकाम को मतलब एक कोविड से शुरू होके आपने यहाँ तक ले आए। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखते हैं जो युवा है, हमारी यूथ जनरेशन है, वो बहुत स्कैटर्ड सी रहती है, वो डरी सी रहती है, कन्फ्यूज सी रहती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उसका पता क्या मेन रीज़न क्या है कि जब पहले बच्चे 7th, 8th, 9th, 10 ऐसे होते थे ना, तो बच्चे बाहर बहुत खेलते थे। मुझे याद है मेरा बेटा बाहर बहुत खेलता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन, टेनिस, उसने कोई गेम नहीं छोड़ी थी क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह कुछ थे नहीं। आजकल क्या है, बच्चे घर में बंद हो गए हैं, उनके पास फ़ोन, लैपटॉप, उनकी जो स्टडी है, पेरेंट्स भी कहते हैं जी मेरा तो बच्चा पढ़ रहा है, ये तो सब कुछ इसी से सीखा है। और ये सब कुछ मतलब माँ बाप के दिमाग में, बिल्कुल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का। हाँ, बिल्कुल, वो हर समय उस पर रहते हैं। तो पूनम जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हालांकि आज की दौर के अंदर तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी युवा के अंदर इतना भटकाव क्यों है? युवा के अंदर भटकाव कि एक तो मैं आपको बताऊं एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो कि अभी कम होता जा रहा है। हमारे टाइम में होता था कि अगर पेरेंट्स इंजीनियर है फादर, तो बेटा इंजीनियर बने, बेटी इंजीनियर बने, फादर डॉक्टर हैं तो बच्चे वही बने। मैंने ये मतलब ये बात मैंने इतने वीडियोस में बोली है और इतने मैंने माँ बाप को समझाया है कि आप बच्चे को वो मत बनाओ जो आप उसको बनाना चाहते हो, आप उसको वो बनाओ जो बच्चा बनना चाहता है। क्योंकि बच्चा अगर जो बनना चाहता है, अगर वो नहीं बनता ना, तो सारी लाइफ उसके दिमाग में ये वाली बात घूमती है और वो कई बार वो अपने मतलब ओल्ड एज तक भी भूलता नहीं है कि मेरे को ये करना था और मेरे माँ बाप की इच्छा नहीं थी कि ये करूँ मैं। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ ये वीडियो भी जो भी मतलब ये देख रहा हो, सब पेरेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि आपका बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है, जो कुछ वो करना चाहता है, आप प्लीज़ उसे वो करने दीजिए। उसमें वो जितना आगे बढ़ सकता है ना, किसी और चीज़ में नहीं बढ़ सकता। तो यानी कि हम मान के चलें कि आज के जो बच्चों पर पेरेंट्स का दबाव ज़्यादा है, सोसाइटी का दबाव ज़्यादा है। दबाव है पेरेंट्स का, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पेरेंट्स ना थोड़े समझदार हो गए मुझे लगता है। तो शायद कई बार पेरेंट्स अभी थोड़ा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कई बार पेरेंट्स चाहते हैं। और फिर पेरेंट्स में सबसे बड़ी गलती पता क्या है, मान लो आपके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता कभी भी। एक बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है,
हो सकता है दूसरे की ड्राइंग बहुत अच्छी हो, वो ड्राइंग में पता नहीं कहाँ निकल सकता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये दूसरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो उसको बार बार कहते हैं कि देख वो इतना अच्छा है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो ये नहीं, तेरे मार्क्स कम आते हैं। बच्चे का कंपैरिजन कभी भी ना उसके भाई बहन से करना चाहिए, ना आपके रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं, ना आपको कभी उनसे कंपैरिजन करना, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में कोई अपनी क्वालिटी होती है, ये तो बात बिल्कुल 100% है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेट की दुनिया ने काफ़ी बदलाव किया है, जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव तो हम आपको देख रहे हैं, आपने कोरोना के बाद शुरू किया सोशल मीडिया पे आना, इस दुनिया ने जो इंटरनेट की जो साइबर स्पेस की दुनिया है, इसने कितना बदलाव किया है हमारे युवाओं को, कितना ख़राब किया और कितना अच्छा किया है, उस पर आपके व्यूज सुनना चाहूँगा। इसमें पता है कि खराब तो खराब भी बहुत किया है और अच्छा भी बहुत है। अब सोचो मैं आज यहाँ तक पहुँची इसी वजह से पहुँची, मैं सोशल मीडिया की वजह से ही पहुँची, अपने फ़ोन की वजह से पहुँची, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होता तो मैं आज जो यहाँ बैठ के। तो सोशल मीडिया के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं, अभी रिसेंट में जो केस हुआ था पुणे के अंदर जो कार ड्राइवर कार एक्सीडेंट हुआ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो वो केस पूरा पता ही नहीं चलता, अलग से कर देते उसको, क्योंकि आजकल तो कहीं कुछ भी होता है तो कोई ना कोई फोटो खींचने वाला वहाँ खड़ा ही होता है, वो फोटो क्लिक हो ही जाती है कहीं पर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन फिर भी आप क्या सजेशन देना चाहेंगे युवाओं को कि अपना स्क्रीन टाइम कितना कम करें? देखो स्क्रीन टाइम उनका कम नहीं हो सकता, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि उनकी जो स्टडी है वो स्टडी भी सारी लैपटॉप पर ही है ना, उनकी उनको कुछ पढ़ना है कुछ उनका वो सब कुछ भी है उनकी, वो नहीं हो सकती। मैं एक चीज़ माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जो हैं जब लड़कियाँ पढ़ रही होती हैं, मैंने रियलिटी में ये बहुत देखा है कि जब 21-22 साल की लड़की होती है और वो पढ़ रही होती है, उसका कॉलेज ख़त्म हुआ होता है या उसकी कोई एक डिग्री हुई होती है, वो मास्टर्स कर रही होती कुछ है, माँ बाप को लगता है नहीं नहीं ये तो 21-22 साल की हो गई इसकी शादी कर दो, लड़का बहुत अच्छा मिल रहा है उसकी शादी कर दो। मैं सारे पेरेंट्स को कहती हूँ कि लड़की जब तक पूरी अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, या तो बिजनेस करने लग जाए या जॉब करने लग जाए, तब तक आप उसकी शादी नहीं करोगे। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है कि लड़का अच्छा मिल रहा है इसकी शादी कर दो, अरे लड़का अच्छा तो जब वो पूरी पढ़ जाएगी तो लड़का तो उससे भी अच्छा मिल जाएगा, क्या बात, मतलब अब अच्छा ही नहीं। पूनम जी अब मैं जानना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी 3 किताबें लिख चुके हैं और जैसे मेरी नॉलेज के अंदर है कि 4th बुक भी अंडर प्रोसेस है, आपने काफ़ी काम उस पर कर दिया है, तो ये जो किताबें लिखने का जो कहें इंस्पिरेशन कहें आदत कहें या लत कहें, तो ये कहाँ से पूनम कालरा के अंदर आ गई ये बात? मेरे अंदर ना मैंने आज से 7-8 साल पहले एक बार सोचा था कि मैं बुक लिखूं, तो 7-8 साल पहले तो लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट थी, मेरी लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट थी, मैं बिल्कुल फ्रेंड्स में घिरी हुई, अपना लंच में जा रही हूँ, कॉफ़ी शॉप जा रही हूँ, किट्टी पार्टी डाली हुई है, ये सब पूरी लाइफ चेंज थी मेरी। तो बस उसके बाद फिर एक कीड़ा दिमाग में जो था ना वो घुसा हुआ था बुक का, और जब मैंने फर्स्ट बुक करी तो मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं मेरी फर्स्ट बुक अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी और मैं सेकंड घूमने लग गई थी, मेरे दिमाग में सेकंड ख़त्म नहीं हुई थी तो थर्ड घूमने लग गई थी, थर्ड की बुक लॉन्च में मैंने अनाउंस कर दिया था कि फोर्थ बुक मेरे दिमाग में घूम रही है। अभी आप देखो कि मेरी फोर्थ बुक अभी कम्प्लीट नहीं हुई, मैं आपको सच बता रही हूँ मेरे दिमाग में फिफ्थ बुक घूम रही है। पूनम जी अगर हम बात करें आज की महिलाओं की, आज की लड़कियों की, बहुत सारे किस्से भी आते हैं और वही बात फिर घूम फिर के आती है कि हमारी जो यूथ के अंदर अगर हम स्पेसिफिक बात करें महिलाओं के अंदर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, उनकी पढ़ाई के आड़े आता है, उनकी जॉब के आड़े आता है, फिर आगे परिवार की जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो इन चीज़ों को हैंडल करने में बीइंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि हर लड़की को अपनी फुल एजुकेशन पूरी कंप्लीट करनी चाहिए और उसके माँ बाप को साथ देना चाहिए। अगर आप सोचो हमारी कंट्री में जैसे मेंस काम करते हैं सब, लड़कियाँ तो 3-4% भी काम नहीं करती, आप सोचो अगर हमारी कंट्री में 30-40% लड़कियाँ काम करने लग जाएँ, जॉब करने लग जाएँ, बिजनेस करने लग जाएँ, तो हमारी तो कंट्री कहाँ की कहाँ चली जाएगी, कितनी आगे चली जाएगी। तो ये सब
पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है, और लेडीज इतना काम कर सकती हैं, लेडीज में इतनी पेशेंस होती है, हर लेडी बहुत काम कर सकती है। लेकिन किसी को भी काम करने के लिए ना, मैं आपको बताऊं कि जब तक आप सोचते नहीं हो ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत तो उन्हें खुद करनी पड़ेगी। यस, और जब आप सोचते हो कि मुझे ये करना है या मेरा ये काम हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये आपने एफर्मेशन सुननी होंगी, मतलब कोई भी काम करना है आप पहले सोचो, और आप सोचोगे वो काम 100% होगा। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठी हुई हूँ, मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो मैंने सोचा, मैंने मुझसे बोला और मैंने ये कहा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे 10-15 वीडियो थे, मुझे पता नहीं लगता था कि मैंने अगला वीडियो क्या बनाना है। मैं सुबह से लेकर रात तक बोलती रहती थी, मेरे तो 100 वीडियो हो गए, मेरे तो 100 वीडियो हो गए। मैं फिर कई बार मैं सोचती थी कि पूनम तो पागल है क्या, ये कैसे बोलती है कि 100 वीडियो हो गए। मैं अगर आपको यहाँ पे टोकता हूँ कि अगर यही बात अगर आप आज से 30 साल पहले करते तो घर वाले भी आपको नहीं करने देते, याद कि सारे वीडियो बनाते रहते हो। तो दिमाग में नहीं आया उससे। हर चीज का ना एक टाइम होता है, शायद मेरी लाइफ में ये टाइम आ कि मुझे इसी टाइम पे शुरू करना था। और आप सोचो कि मैं बोलती रहती थी मेरे तो 100 वीडियो हो गए, ये नहीं कि मेरे 100 वीडियो हो जाएंगे, आपने ये नहीं बोलना, आपने बोलना हो गए मेरे 100 वीडियो हो गए। उसके बाद मेरे 100 वीडियो हो गए, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया मेरे तो 200 वीडियो हो गए, आप मानो मेरे 200 वीडियो हो गए। फिर मैंने बोलना शुरू किया मेरे तो 300 वीडियो हो गए, अरे क्या बताऊं मैं आपका, 300 वीडियो हो गए। फिर मैंने पावर ऑफ अफर्मेशन 400 वीडियो, हां पावर ऑफ, मैं बोलती थी कि मेरे वीडियो हो गए 400 हो गए, इस समय 420 हैं, और अब मैं बोलती हूं मेरे तो 500 वीडियो हो गए, और आप देखिएगा अगले इंटरव्यू में 500 क्रॉस किए होंगे मैंने। अब हम बात करते हैं पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन राइटर की। पूनम कालरा इटसेल्फ अ मोटिवेशनल स्पीकर है, पर पूनम कालरा को मोटिवेशन कहाँ से आती है? मुझे आज तक किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं अपने आप को अपने आप ही मोटिवेट कर लेती हूँ, सेल्फ रिचार्ज्ड। यस, मेरा जो जो मन करता है मैं वो सब कुछ करती हूँ, मेरे को सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की पूरी नॉलेज है कि रात को सोने से 5 मिनट पहले आप सब अच्छी बातें सोचो, और अपनी लाइफ में जो कुछ आप करना चाहते हो आप वो बोलो कि ये काम हो गया। और आपको पता है कि इसमें मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आपको पता है कि रात को जब हम सोते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड 5 मिनट पहले बंद हो जाता है, और वो जो मैसेज सब कॉन्शियस माइंड को दे देता है, सब कॉन्शियस माइंड रात भर उस पर वर्क करता है, और फिर सुबह उठ के वो मैसेज वो कॉन्शियस माइंड को दे देता है, और हम दिन भर वो सोचते हैं। अगर हम रात को ये सोचते हैं कि आज तो हमारा दिन में कोई काम ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सबकॉन्शियस माइंड सारा रात उस बात को सोचेगा, और हम दूसरे दिन भी सारा दिन वही सोचते रहेंगे। लेकिन मैं कभी ये नहीं करती, मेरी लाइफ की जितनी अच्छी बातें और मैं जिंदगी में जो कुछ चाहती हूँ मैं हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ वो बोलती हूँ, और ये बात मैं बोलना कभी भूलती नहीं। पूनम जी, अब जाते जाते अब आपकी तरफ से क्या संदेश होने वाला है युवाओं को और बच्चों को? मैं युवाओं को तो बस एक संदेश देना चाहती हूँ, लड़कियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए बिना कभी शादी मत करना। माँ बाप मान जाए तो ठीक है, अगर माँ बाप नहीं माने तो आप मत मानना। और लड़कों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि 18 से 25 साल की एज में कोई भी अगर आपका फ्रेंड आपको कहता है कि एक बार सिगरेट पी ले या एक बार कोई ड्रिंक ले ले या कुछ की सिर्फ एक बार ले ले, मैं सारे बच्चों को सारे लड़कों को कह रही हूँ कि आप एक बार भी फर्स्ट टाइम भी नहीं लोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मीन्स हैबिचुअल, आप फर्स्ट टाइम भी कभी नहीं लोगे। आपके पास जिंदगी पड़ी है 25 साल के बाद ये सब कुछ करने के लिए, 25 साल तक आप पूरे अच्छे स्टैंड हो जाओ और पूरी लाइफ आप इंजॉय करोगे। तो ये थे पूनम कालरा जी, जिनकी जर्नी के बारे में, जिनके बारे में हमने आज आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।